तो अभी हम नागनाथ में हैं। नागनाथ ये पोखरी में आता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में नागनाथ पोखरी। और आप ये परिसर देख रहे हैं, बहुत पुराना बिल्डिंग है। अभी आपसे आपको जो है अभी रूबरू कराते हैं इन चीज़ों से हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम इट वॉज ए स्कूल, आठवीं कक्षा तक मिडिल स्कूल, और उसकी फिर दसवीं तक हुई, फिर बारहवीं तक हुई। और इसका जो स्ट्रक्चर है पुराना है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये इसकी एग्जैक्ट डेट तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये 1910 1915-20 के आसपास कहीं बना था। आइए, पुरानी खिड़कियां भी हैं, दरवाजे तो निकाल दिए गए बट फ्रेम अभी भी इसका बना हुआ है। पीछे देखिए, इट्स ए सिंगल स्ट्रक्चरल रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है ना। और क्लासेस हैं यहाँ, आपको दिखाते हैं क्लास के अंदर ले जाके। और ये अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, अबंडेंड है। ये हेडमास्टर, हमारे हेडमास्टर साहब मतलब प्रिंसिपल सो कॉल्ड, उनका कमरा रहा करता था। खुल गया है, ये लॉक लगा हुआ है लेकिन ये इट्स ओपन। इसको दिखा दें आपको पहले, आइए। सो डार्क, और उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, ठीक है ना। और हम ज़्यादा यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ें हैं। ये है यहाँ पर, ये किसी की मशीन है, आई डोंट नो, ये कोई साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंटल। ओके, ये क्या लिखा हुआ है देखो, छात्र छात्राओं का अपना बैंक, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरण स्कूल बचत बैंक। ओके, और ये मुझे याद है, ये पानी देने के लिए है ना, इसमें पानी देते हैं इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बचत बैंक के नाम पर है, या कुछ बुक्स भी हैं, स्टेशनरी भी है, हेडमास्टर साहब का ऑफिस भी है। तो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था उस वक्त इसको, है ना। अब बाहर निकलते हैं, मैं तो इतना पतला हूँ, देखो फिर भी कितनी प्रॉब्लम हो रही आने में, है ना। एक ही पार्ट खुला हुआ है, ये ऊपर लकड़ी उकड़ी के यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड दिस लॉक आई थिंक somebody has broken it, किसने इसको तोड़ दिया है। आते हैं छोटे मोटे बच्चे लोग कभी कभी सतानियाँ करते हैं, क्योंकि नाउ इट इज अबंडेंट, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। अंदर आके अंदर देखें, आइए। ये रैक्स हैं और ये खिड़की है जो लगभग टूट गई है, धीरे धीरे इनका तो निकल रहा है, इट इज डैमेज, वहां से पूरे क्रैक्स हैं, हमें भी खतरा है। दिस इज नॉट ईंट नहीं है, ये पत्थर है। ये फायर प्लेस हुआ करती है, आज भी होते हैं कहीं हाई एल्टीट्यूड में, ऊंची ऊंची जगहों पर रात बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर अब ये देखा गया है कि अगर ये स्कूल था तो उसमें फायर प्लेस की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। इस पर थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा, विच एट प्रेजेंट आई डोंट नो, बट वी हैव टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ना ये, अब इसकी नई बिल्डिंग बन गई है, वो आपको एक झलक दिखा देंगे। और इस इलाके का बहुत ही अच्छा, बल्कि मैं तो कहूँगा चमोली डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना स्कूल है ये। बड़े बड़े मास्टर लोग यहाँ से अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी। हम उसको, मैं घुसने की कोशिश कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, मेरे कपड़े वपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। उधर जाएंगे, उधर भी जो है कमरा है, ठीक है। चलिए फिर, सो दीज आर द ऑल ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। चलिए, दिस वॉज अ वेरी फैंटास्टिक बिल्डिंग। मैं तो चाहता हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, नई बिल्डिंग भले बन गई हो,
इसकी रख रखाव, इसका देख रेख बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक ये भी एक जो है उत्तराखंड में या हमारे देश में एक पर्यटक स्थल बन सकता है इस इलाके में। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वी कैन एक्सप्लोर इट, वी कैन स्टिल सी इट, है ना। सो आप लोग आइएगा कभी इसी जगह पे, लेके आएंगे हम, राइट, एंड अननोन पहाड़ी। इसके सौजन्य से, इसके तरफ से आप हमारे साथ आ सकते हैं और आपको इसी जगह पे लाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ रहेंगे हम अंदर और उधर भी घुसेंगे दूसरे कमरे में भी। टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना पीना यहीं बनाएंगे, ठीक है। और रात को अगर कोलैप्स हो गया तो नो वन इज रेस्पॉन्सिबल। और आप ये देखिए, ये एक नई बिल्डिंग बनी है, आ जाओ देखिए। तो दिस इज अ न्यू बिल्डिंग, ये नया बिल्डिंग बना है राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ, जो पोखरी में आता है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ब्यूटीफुल लैब, मतलब एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हॉस्टल भी है। और इसको इसके देखिए, ये ऊपर देखिए, टिन लगा रखे हैं उस जमाने से, टिन है पूरे की। और इसके पीछे जाके जरा देखते हैं, चलो पीछे की तरफ चलते हैं आप, हैं वहाँ पर बना तो दिया है इन्होंने, बट और यहाँ पे जरा ये तो नया स्ट्रक्चर बनाया है। बी अवेयर अबाउट दिस, इसको पहाड़ी में कहते हैं, गढ़वाली में कनाली, हैं बिच्छू घास, सब्जी भी बनती है इसकी, लेकिन अगर ये अभी लग गया ना हमारे पे ये, तो हमारी सब्जी बन जाएगी फिलहाल, हैं। तो अभी हम पीछे की तरफ आ गए हैं, यहाँ भी सेम वही स्ट्रक्चर, कमरे और छोटा सा वो आग जलाने की जगह है यहाँ पे। आइए जरा देखिए, वन टू, ये कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15 कमरे के करीब होंगे, गिनते हैं अभी इनको, ठीक है। अंदर आइए, पिछली बार हम उधर से इधर देख रहे थे, अभी यहां से हम उधर देख रहे हैं, ठीक। इट्स लाइक ए चिमनी। तो यहाँ क्लासेस लगा करती थी, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ क्लास के साथ ये, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी इलाके हैं यहाँ, कहीं के गार्ड रूम्स या कोई वो ना होंगे। आई थिंक सेम टू सेम स्ट्रक्चर है और आगे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना, बहुत एडवेंचर हो गया है इसी तरह का वो है, राइट। तो बाहर निकले, फिर यहीं से निकल जाते हैं बाहर। ये देखिए उस वक्त की, ये जो लकड़ी के पिलर्स हैं, ये भी है पत्थर के बने हुए हैं, आज तो ईंटों के होते हैं, इन पे ये खड़े करें, फिर ये एंड ये टिन। देखो उस वक्त का, अगर इसको लगा लें कम से कम 120 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली, इस पे जंक तो ना के बराबर है। ये लोहा था कि क्या था, आज के स्टील से ज़्यादा अच्छा था लोहा उस वक्त का। जैसे दिल्ली में महरौली में आयरन पिलर हैं अशोका के। चलिए, ये नया स्ट्रक्चर है और ये देखिए राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज नागनाथ पोखरी। और ये बीच में ऐसे लग रहे हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे, लेकिन ये बल्ब के लिए है। इट्स फॉर द बल्ब, नॉट सीसीटीवी, लेकिन किसी को भी चकमा देने के लिए ठीक है, किसी चोर लुच्चे लफंगे को। तो इट्स ब्यूटीफुल, इनके ब्लॉक्स हैं, क्लासेस हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये आदर्श इंटर कॉलेज है, मॉडल स्कूल इसको कहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही अच्छे बच्चे। हालांकि अभी हम किसी से मिले नहीं हैं, बट कहते हैं ना कि रिजल्ट से पता चलता है, तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। और लोगों के मन में ये बिल्कुल न रहे कि ओनली द रिजल्ट इज ऑफ द पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल, नो, सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ सरकारी स्कूल में। ये सारा नया बिल्डिंग है, लेकिन आपको ले चलते थोड़ा सा कैंटीन, फौज में था ना कैंटीन या कॉलेज कैंटीन, देखिए। मुझे पता नहीं यहाँ क्या क्या बनता होगा, लेकिन इतना पक्का आई कैन टेल, चौमीन
मोमो नहीं बनते थे, हाँ? काफी झाड़ फूस है यहाँ, हो सकता है कोई सांप फूंप ना हो, आजकल पोस्ट मानसून सीजन है। ये खदरा है, यहाँ पे लैंप वैंप रखते थे, यहाँ पे कैंडल तो बाद में आया है ना, पहले चिमनी थी। सो यहाँ पर अभी आई एम सॉरी, आपको कैंटीन में अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं भी खाने के लिए आया था। यहाँ अंदर तो देख लीजिए ना, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वैसे ही जो कमरों की रूपरेखा है वो लगभग वैसे ही है, खिड़की है वो है, लेकिन हर कमरे में आपने देखा कि एक आग जलाने वाला एक सोर्स है, क्योंकि ठंड का एहसास होता है। अंदर कीचड़ भी है, यहाँ पानी भी है भरा हुआ, सफाई वफाई नहीं है, ठीक है, अबैंडन कर रखा है। तो इसी चीज को हम जो है राष्ट्रीय धरोहर बना सकते हैं, इसको एक दादा इसको थोड़ा सा हल्का सा रेनोवेट भी क्या करना है, इको फ्रेंडली रेनोवेशन शुड भी दिया, ठीक है। आए फिर यहीं से आ जाते हैं झाल झंकार से। हाँ, दिस वॉज ए ब्यूटिफुल, ये तो सारा नया बिल्डिंग बना है, ये सब जगह नया, ये कैंटीन और ये पुरानी बिल्डिंग को आपको दिखाया। सो दिस इज ये आपका नागनाथ पोखरी, यहाँ पर इतना सुंदर सी जो है सुंदर सा स्कूल है यहाँ, बाकी फॉरेस्ट के बंगले उंगले सब ऊपर है। ठीक, चलिए फिर आज का यहीं पर हम ख़त्म करते हैं कार्यक्रम, एंड वी निवेदन है आप लोगों से, आप जरूर इस परिसर में आएँ, यहाँ देखें पुरानी चीज़ों को। ठीक, ऑल द बेस्ट एंड अननोन पहाड़ी।